दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मावा कैसे बनाया जाता है। मावा मावा एक ऐसे पदार्थ है, ऐसा चीज है जो हर मिठाई में अगर ना डालो तो उसका स्वाद अधूरा ही रह जाता है। आप मावा बनाकर इसको घर में रख सकते हैं और ये काफी टाइम तक पड़ा भी रहे तो खराब नहीं होता। इसको फ्रिज में रख दीजिए और जैसे कि आप कोई भी चीज बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाए उसमें मावा लगेगा, काजू कतली बनाएंगे उसमें मावा लगेगा, या स्पंजी रसगुल्ले बनाएंगे उसमें भी कुछ मावा डलता है। ऐसी कोई भी चीजें आप बनाते हैं खोए की तो उसमें मावा डालना पड़ता है। मावा बनाना घर में बहुत आसान है, बाजार का मावा बिल्कुल ना लें। बाजार में नकली मावे से सावधान रहें, नकली मावे आते हैं उसमें यूरिया वगैरह मिला के उसको मावा बना देते हैं, जिससे कि शरीर को नुकसान है और आपके बीमारियों को न्योता देने का सीधा सीधा प्रसारण है कि आप बाजार में लेंगे और अपनी बीमारियों को न्योता देंगे। घर में मावा बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने 4 किलो दूध ले लेना है, अच्छी फैट वाला, और उसको घर में ले जाकर कढ़ाई में उबालते रहना है। उबालते 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 जब 1 किलो रह जाए, 1 किलो रह जाएगा, और उसको आपने हल्का देख लेना है, उसको आपने रेड ब्राउन नहीं करना। 1 किलो रह जाएगा उसको आपने उतार लेना है और उसको ठंडा होने रख देना है। ठंडा होने रखने के बाद उसको कम से कम आधा पौना घंटे के बाद वो मावा आपका तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो थोड़ा सख्त हो गया है, और उसको आपने गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना, उसको ट्रे में निकाल के जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब फ्रिज में रख दो। और आप किसी भी जैसे मिठाइयाँ हम बना आपको हमारी कंपनी बताती है कि ऐसे ऐसे आप मिठाइयाँ बनाओ तो आप उसमें वो मावा डाल के बना सकते हैं। ये है मावा बनाने का तरीका। थैंक यू वेरी मच।